हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी टेट की जो परीक्षा आज हुई है उसका पूरा का पूरा सलूशन हम आपको यहां पर देने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले वीडियो हमारी सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो का पूरा हल देख सकते हैं इस पेपर का। करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, किसने बहुव्यूहात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर जो होगा आपका फोर ऑप्शंस होगा, जिसमें गार्डनर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार की बीमारी है, यहाँ पर पढ़ने और वर्तनी में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर दो का जो है आंसर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, यहाँ पर तीन में पूछा गया है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही आंसर यहाँ पर फोर ऑप्शंस होगा, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो अक्षम हैं उन्हें अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें कहा गया है कि प्रेरित करना चाहिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, सही आंसर ए होगा, और उसमें कहा गया है कि शारीरिक विकास से। मानव विकास को प्रारंभ होता है, सही आंसर गर्भावस्था से उसका प्रारंभ होता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर तीन होगा, आर एन गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? सही आंसर सेकंड होगा, स्टेनले हॉल। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, 36, 40 मिनट, 45 मिनट और 30 मिनट। सही आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, 36 मिनट। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसके सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन है? सही आंसर फर्स्ट होगा, गेट्स व अन्य। यदि शिक्षक की कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उस कहा गया है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, सही आंसर सेकंड ऑप्शन, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? आंसर यहां पर थर्ड होगा, बीएस ब्लूम। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, चार ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें कहा गया है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक का एक ही कक्षा में रहना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में कहा गया है कि निम्न में से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रस्तावना कौशल। यहाँ पर स्तंभ ए दिया गया है और स्तंभ बी से इसका मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान करने के बाद जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर फोर ऑप्शंस होगा, निरंतरता का सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो सही आंसर 86वां संविधान संशोधन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मैकडूगल, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 और दिया गया है कि विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? सही आंसर बी ऑप्शन होगा, बाल्यावस्था को। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफर्ड का अधिनियम है ये, जो उनके द्वारा कथन किया कहा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, यहाँ पर जो है आपको सूची ए से सूची बी को मिलान करना था और ऑप्शन से यहाँ पर ए फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 समस्या समाधान का प्रथम चरण है, सही आंसर सेकेंड होगा, समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बालकों को संज्ञानात्मक भावात्मक
और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सही आंसर एक होगा, सामान्यकरण। निम्न में से किस सिद्धांत को पूर्ण वर्णन का सिद्धांत भी कहते हैं? सही आंसर फोर्थ होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? सही आंसर फर्स्ट है, आंत प्रज्ञ अवस्था। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, यहाँ पर दिए गए हैं, और सही इनका सही क्रम यहाँ पर लगाना है। तो इन सही क्रम का जो क्रम से होगा वो होगा 2, 2, 1, 4, 3, 4, 5। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध व ज्ञान। तो सही आंसर फर्स्ट होगा, अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सही आंसर थर्ड ऑप्शन, लंबवत, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर का जो सलूशन है वो हम आपको करा रहे हैं। इसी क्रम में जो है मैथ का वीडियो आया है आपके लिए। इससे पहले हमने जो सभी सब्जेक्ट का वीडियो डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या आप चैनल पर जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तो परिमाप उसका 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? सही आंसर होगा 120 मीटर स्क्वायर, अर्थात पहला ही ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रैकेट में बंद है तो यहाँ पर देखिएगा, कोष्ट में जो बंद है 2^-1, फिर उसके बाद भी माइनस पावर दी गई है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ए बी सी, अर्थात तीन जो ऑप्शंस हैं वे सही होंगे, प्रथम ए बी और सी, अभाज्य संख्या, सम संख्या और 2 का गुणा। 93 क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो सही जो कथन होगा वो चारों क्वेश्चन ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शंस होगा, 1 भाज्य संख्या विषम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर जो है 60 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या होगी 6, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो देखिएगा सरल रेखा पर कितने भी बिंदु आ सकते हैं, तो असंख्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक ज्ञात कीजिए कि जिसकी सबसे छोटी संख्या जो है 8 है। तो सबसे शुरू में 8 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, 8 और 15 का वर्ग को यदि हम जोड़ेंगे तो वो 17 का वर्ग निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 8, 15 और 17। अगला क्वेश्चन है 97, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि एक संख्या दी गई है 4, 1, 7, 8, 9 से विभाज्य है। तो जेड के स्थान पर यदि 7 आ जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, तो 9 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। 2160 को इस तरीके से दिया गया है, 2^a, 3^b और 5^c। तो 3^a, 2^-b और 5^-c का मान ज्ञात करना है। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2^4 आएगा, अर्थात a का मान 4 होगा, b का 3 आएगा और c का मान जो है 1 आएगा। जब पूरा सॉल्यूशन आप कर लोगे तो 81/40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक आकृति दी गई है तो इसमें जो है क्यूब किया गया है, तो आप सभी जानते हैं एक के सामने जो है 1 का क्यूब आएगा, तो उसके स्थान पर एक्स है, एक्स का मान आपको बताना है, तो 1 का क्यूब भी हमेशा 1 ही रहेगा। तो राइट आंसर प्रथम ऑप्शन होगा। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, आवर्ती बहुभुज के द्वारा। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पर जो है कोई प्रभाव ना पड़े? सही आंसर होगा 37.5,
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतने परसेंट की आपको उसकी चौड़ाई में कमी करनी होगी यदि लंबाई को 60% बढ़ाते हो। 102वां क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इकाई में क्या होगा? तो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2018 में अमित का वेतन जो है 1,26,500 रुपये है, 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रम से 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन पर पहुंच गया, तो 2016 में उसका वेतन कितना था? तो देखिएगा, 1,00,000 रुपये यदि उसका वेतन होगा तो यहाँ पर 1,10,000 हो जाएगा 2017 में, और फिर 15% बढ़ाओगे तो 1,26,500 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1,00,000 रुपये। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक जो है 432 है, एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 × 432 को 48 से यदि आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 54, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सामान्य प्रश्न है जो यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? तो देखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 27 अर्थात 27, 27 तारीख को जो है चौथा मंगलवार पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के, तो के का सही मान आपको निकालना है। तो के का सही मान होगा 2 अर्थात यहाँ पर पहला ही ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया है 3 माप दी गई हैं, तो उस तरीके की मापों को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर।